गोरखपुर संसदीय सीट के उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 9 फरवरी को जनपद गोरखपुर के संसदीय सीट हेतु उपचुनाव की घोषणा कर दी। घोषणा के साथ ही निर्वाचन आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि अविलंब नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम लगाकर महानगर क्षेत्र में लगाए गए समस्त राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स, बैनर्स, झंडे व झंडियां निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के प्राविधानों के अंतर्गत हटवाना सुनिश्चित करें तथा महानगर की सार्वजनिक दीवारों पर राजनीतिक वॉल पेंटिंग्स को भी तत्काल पुतवाकर हटवाया जाए। जिलाधिकारी ने डीएम ने उप जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया कि अपने अपने तहसील क्षेत्रों में कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को भी अपने अपने क्षेत्रों में निर्वाचन आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने उपचुनाव के कार्यक्रमों को बताया। मदद कराएंगे तुम्हारी हमारे मजिस्ट्रेट से रेगुलर मजिस्ट्रेट में 6 बजे मैंने कहा उसको बता दो, बहुत पहले से दिया था और तैयारियां भी थी सबकी। और इसका ग्रुप का नाम है बाई इलेक्शन पार्लियामेंट 2018। तो इसमें दो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट है कि नाउ बिकॉज वी आर इन अ वेरी वेरी स्मॉल ब्रैकेट ऑफ टाइम। 9 तारीख को बैठे हैं, 13 से नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं और चुनाव मार्च 11 को हो जाएगा। तो वी आर जस्ट इन अबाउट लेस देन अ मंथ टाइम बिकॉज दिस मंथ इज अ 28 डेज, इट इज नॉट अ नॉर्मल 30 और 31 डेज। सो वी आर लेस देन अ मंथ टाइम फ्रेम। इसमें दो तीन चीज मैं अपेक्षा करूंगा फ्रॉम द होल टीम एंड एज यू ऑल नो सक्सेस एंड टीम हैज टू डिलीवर। Somebody is talking there at the rear side. It is getting me disturbed. Must hand. अच्छा तो दूर। आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गोरखपुर के 64 नंबर के जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का, उसमें उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। और इस उपचुनाव की घोषणा के साथ साथ पूरे जनपद में निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। जो कार्यक्रम हमको प्राप्त हुआ है उसमें जो अधिसूचना का दिनांक है वो 13 फरवरी 2018 रहेगा। जो नाम निर्देशन प्राप्त करने की तिथि है वो 20/2/2018 को अंतिम तिथि होगी। जांच के लिए 21 फरवरी 2018 नियत की गई है। नाम वापसी का दिनांक 23 फरवरी 2018 है। मतदान का दिनांक 11 मार्च 2018 है और मतगणना का दिनांक 14 मार्च 2018 है। तो ये उपचुनाव आप देख ही रहे हैं कि लगभग एक महीने से ऊपर की इसकी अवधि है जिसमें हमारी ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। और 13 तारीख से हम लोगों के नॉमिनेशंस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और क्योंकि ये आप अवगत हैं कि इस संसदीय क्षेत्र में हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और जो आचार संहिता है
वो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत पूरे जनपद में लागू रहेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने तैयारियां पहले से भी आरंभ की हुई थी। हमारा जो वोटर लिस्ट का रिवीजन का काम है वो समाप्त हो गया है और आज उसका पब्लिकेशन भी हो गया है। सारे के सारे बूथ्स पे आज पब्लिश हो गया है और हमारे इस पूरी प्रक्रिया में जो बूथ होंगे वो 2141 होंगे, हमारे मतदान केंद्र 967 होंगे और लगभग 19.5 लाख मतदाता होंगे जो इस उपचुनाव में प्रतिभाग करेंगे।